इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि 29 जून 2024 को क्लास 8 का एसएसटी का वीकली टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपका संस्कृत का भी वीकली टेस्ट होगा। तो मैंने संस्कृत का तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो मोस्ट वायरल क्वेश्चंस है, आने वाला क्वेश्चन है, उसे मैंने अपलोड कर दिया है। और इस वीडियो में हम आपके एसएसटी के आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक प्रश्न को नोट कीजिए बच्चा। और आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीकली टेस्ट के लिए आंसर और यहाँ पे क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी गैर धार्मिक इमारत है। तो देखिए बच्चा, गैर धार्मिक इमारत क्या होता है, जो धर्म से संबंधित ना हो, जो धर्म से संबंधित ना हो उसे बोलते हैं गैर धार्मिक इमारत। मंदिर, गुरुद्वारा, महल, चर्च। तो देखिए, मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है, गुरुद्वारा सिख धर्म से और चर्च क्रिश्चियन धर्म से। लेकिन जो महल है वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, उसमें राजा रहता है, सही विकल्प होगा सी, महल। दूसरा प्रश्न दिया गया है, किसके शासनकाल में स्थापत्य एवं मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। विकल्प दिया गया है यहाँ पर गुप्त, राजपूत, मुगल या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चा सी, मुगल। मुगल में भी जो शाहजहाँ काल था उसमें मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल और पित्राधुरा तकनीक का रूप में यहाँ पर आया है। शाहजहाँ अपने का शासन काल में मेहराब, गुंबद, मीनार, पेरकोटा और बुज सभी आदर्श संतुलन में स्थापित हुए थे। तो सही उत्तर होगा सी, मुगल। प्रश्न संख्या 3, बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ें आप नोट करते चलिए। दे रखा है, एलोरा मंदिर कहाँ स्थित है। विकल्प दिया गया है यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा सी, महाराष्ट्र। एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के पास एलोरा गुफाओं में चट्टान को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही शानदार है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। विकल्प दिया गया है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड। बताइए बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प दे रखा है 97%, 50%, 3%, 68%। सही उत्तर ए होगा, 97%। छठा प्रश्न, एक मिलियन घन मीटर में कितना पानी होता है। 1 अरब लीटर, 2 अरब लीटर, 3 अरब लीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए होगा, 1 अरब लीटर। अगला प्रश्न, महासागरीय, देखिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, महासागरीय गतियां कितनी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 3, ऑप्शन सी होगा। कौन कौन सी गतियां होती है, तो यहाँ पर नीचे ही लिखा हुआ है, तरंग, ज्वारभाटा और महासागरीय धारा, है ना, महासागरीय धारा। ये 3 प्रकार की गतियाँ होती है बच्चा, नोट कर लीजिए। आठवां प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी अंग्रेजी में ऐसे लिखा था, TSUNAMI, किस भाषा का शब्द है ये, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, झारखंड में कितने सदनीय व्यवस्था है। विकल्प दे रखा है यहाँ पर 1, 2, 3 या 4, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए बच्चा, यहाँ पर कितना होगा सही उत्तर? झारखंड में कितने सदन हैं, कितने सदन की है व्यवस्था है? तो झारखंड में एक ही सदन है, एक सदन की व्यवस्था है। ओके, अगला प्रश्न, इनमें से विधानसभा के सदस्य होने के लिए आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 65 वर्ष। सही उत्तर ए होगा, 25 वर्ष। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। दे रखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर यहाँ पे भी मैंने लिखाया है, लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उस राज्य का राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 12वां प्रश्न दे रखा है, गोपुरम क्या है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गोपुरम क्या है? तो नोट करेंगे, मंदिरों में घुसने का एक बड़ा रास्ता होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। यह हिंदू मंदिरों में स्थापत्य कला, स्थापत्य का प्रमुख अंग होता था। 13वां प्रश्न, पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर, सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर ज्वारत से की गई सजावट को पित्रादुरा शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, जल चक्र क्या है? तो लिखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। और 15वां प्रश्न है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, सुनामी जापानी भाषा के TSU और NAMI के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है समुद्र की ओर आती हुई लहरें। तो ये था बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, PDF वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।